दादाजी हैं बेटे। पापा के लिए वसीयत का बक्सा दादाजी ही छोड़ गए हैं ना? सिर्फ पापा के लिए ही नहीं, हम सबके लिए। दादी माँ, मेरे लिए भी? हाँ हाँ बेटी, तेरे लिए भी, लेकिन तब तो तू पैदा ही नहीं हुई थी। आज से 5 साल पहले जब तेरे दादाजी स्वर्ग सिधारे थे, तब उन्होंने एक चिट्ठी लिखी थी जिसमें लिखा था मेरी 5वीं पुण्यतिथि पर। पुण्यतिथि क्या दादी माँ? पुण्यतिथि यानी बरसी। अरे वाह बेटा, तू तो बहुत समझदार है। हाँ तो बच्चों, तुम्हारे दादाजी का आदेश था कि ये बक्सा उनकी 5वीं पुण्यतिथि पर ही खुले। और वो 5वीं पुण्यतिथि कल। ब्रदर, पापा ने अपने जमाने में कमाया बहुत था, मगर बताते नहीं थे। मॉम, याद है जब भी हमें पैसों की जरूरत होती थी, ना जाने कहाँ से पैसा निकाल कर ले आते थे। याद है बेटे, वो तो बहुत कुछ छोड़कर गए हैं हमारे लिए। तब तो दादी माँ हम नई गाड़ी खरीदेंगे। और मेरे कमरे में एयर कंडीशनर चाहिए दादी माँ। मुझे तो एक वॉशिंग मशीन चाहिए। मुझे तो पैसा चाहिए पैसा। I mean to say money. ब्रदर, मैं अमेरिका में एक होटल खोलना चाहता हूँ। मैं तो कहता हूँ कि आप भी अपना पूरा शेयर उसी में लगा देना। क्या अंधी कमाई है उस बिजनेस में। पहले शेयर हाथ में तो आने दो। मेरे भाई तू कितना बदल गया है। यू नो, बदलने का नाम ही तो जिंदगी है ब्रदर। चलिए देवर जी, खाना तैयार है। ला रा 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 रा। ओ ये देवर जी का दिमाग भी बहुत चलता है। ऐसे ही विदेश में नहीं रहना, बड़ा होता है। बड़ा होता है, चाला है चाला। अच्छा, क्या चाला की उसने? अरे सुबह सुना नहीं, कहते हैं भाई साहब आप भी शेयर अपना मुझे ही दे। मैं अमेरिका में होटल खोलना चाहता हूँ। अरे मैं पूछती हूँ, हम क्यों दे उन्हें अपना शेयर? क्या हम यहाँ अपना होटल नहीं खोल सकते? सो जाओ दीदी, सो जाओ। ज्यादा सोचोगी तो यहाँ तक पहुँच जाओ कि ये भी न रहे और सारा पैसा हमें मिल जाए। ये क्या कह रहे हैं आप? ठीक ही कह रहा हूँ मैं। जरा सोच कर देखो कि सारी दौलत हमारी हो जाती अगर बीच में ये सब लोग खड़े न होते। बाबा
पापा हमेशा चाहते थे कि मैं बहुत बड़ा आदमी बनूं, मगर मैं बड़ा आदमी तभी बन सकता हूं जब बीच में बड़ा भाई ना हो। छी, आपकी तो बात सुनना भी पाप है। माँ जी सुने तो उनका हार्ट फेल हो जाए। तो इसमें भी क्या बुराई है? बुराई से बचने के लिए ही प्रार्थना बनाई गई है। रात को सोने से पहले और सुबह उठने के बाद प्रार्थना करें तो मन में बुरे विचार नहीं आते। फिर भी आए तो अपने आप को एक चपेट लगा लो। चुपचाप आंखें बंद करो और प्रार्थना करो। हे भगवान, हे ईश्वर, हमें खाने के लिए केक दो, पहनने के लिए अच्छे कपड़े दो, ताकि हम फैशन में कहीं पीछे ना रह जाए। एयर कंडीशनर दो, मर्सिडीज कार दो, मम्मी को वॉशिंग मशीन दो, पापा को अमेरिका में एक होटल दो। छी 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 छी, ये भी कोई मांगने की चीजें हैं? दादी माँ, फिर आप क्या मांगती हैं? मैं सब ये फिजूल की चीजें नहीं मांगती। मैं तो भगवान से कहती हूँ, हमें ईमानदारी दो, नेक रास्ते पर चलने की शक्ति दो। इंसान वही चीज मांगता है जो उसके पास नहीं होती। देवी ना, बुरी तरह से पीटोगी हाँ? चुपचाप आंखें बंद करो और प्रार्थना करो। बक्से की पूजा करेगी बहू? बक्से की नहीं, बक्से में जो लक्ष्मी है उसकी। लक्ष्मी जी की पूजा तो हम करते ही है हर दिवाली पर। लक्ष्मी आज प्रकट हो जाए तो दिवाली ही दिवाली है। क्यों ब्रादर, सो तो है। पूजा की थाली रखते बहू। यही लिखा होगा कि और किताबें कहां मिलेंगी। मां, तुम पिताजी का पत्र पढ़ो ना। ए मेरे बाद वालों, एक बात समझ लो कि एक वो भी समय आएगा जब तुम अपने बच्चों से कहोगे, ओ बाद वालों। हर बच्चा बड़ा हो जाता है, बुजुर्ग हो जाता है, फिर चला जाता है। हर आदमी जाते हुए आने वाली पीढ़ियों को कुछ देकर जाना चाहता है, और देने के लिए सिर्फ पैसा ही नहीं होता। पैसा तो नश्वर है, लेकिन उससे भी बड़ी एक दौलत है जो कभी नष्ट नहीं होती, वो है अपनी संस्कृति और संस्कार की दौलत। जो जितनी भी आपस में बांटोगे उतनी ही बढ़ेगी,
अपने जीवन काल में जो कुछ भी मैंने अर्जित किया है वो मैं तुम्हारे लिए विरासत में छोड़कर जा रहा हूँ, और ये दौलत है अमर कथाएं। जैसा कि आप सभी को ज्ञात है, हमारे कनिष्ठ पुत्र युवराज उत्तम का आज 5वां जन्मोत्सव है। हर्ष के इस अवसर पर राज्य के सभी अपराधियों को क्षमा किया जाए। महाराज उत्तानपाद की जय! महाराज उत्तानपाद की जय! राज्य के धनहीनों को इतना धन दिया जाए जितना कि वो अपनी झोली में ले जा सके। 7 दिनों तक राज्य में उत्सव मनाया जाए। पताश्री, हम इधर हैं। पुत्र, हम तो उसी दिन पकड़े गए थे जिस दिन देवी सुरुचि से हमारी भेंट हुई थी। महाराज को स्मृति है उस दिन की। वो दिन भी कभी भुलाया जा सकता है क्या? आप कैसे मिले थे, हमें भी बताएं। पुत्र की जिज्ञासा से आपको भी पता चल जाएगा कि हमें कितना स्मरण है। एक बार हम विंध्य के पर्वतों पर आखेट के लिए गए थे। से घिरी एक सिंहनी बैठी है। तुम्हें पता है वो कौन थी? कौन थी? तुम्हारी माता श्री। हमने अश्व आगे बढ़ाया तो इन्होंने सिंहों से कुछ कहा। वे हिरण के बच्चों की तरह सिर झुकाकर चले गए। फिर हमने पूछा, तुम्हारा नाम? ये बोली, सुरुचि। हमने कहा, सिंह भी तुम्हारे आदेश में रहते हैं? इन्होंने कहा, आप भी सिंह से कुछ कम नहीं है। पिताश्री, मैं भी आपकी गोद में बैठूं? पिताश्री आइए बैठिए। पिताश्री, महाराज की गोद में बैठने का लोभ है तो मेरी कोख से जन्म लेना था। सुरुचि, ध्रुव चाहे तुम्हारी कोख से ना पैदा हुआ हो फिर भी वो हमारा पुत्र है। इसीलिए ये उत्तम का स्थान लेना चाहता है और मैं ये होने नहीं दूंगी। पिता की गोद में बैठना है तो तपस्या करो, और जब नारायण प्रकट हो जाए तो उनसे कहो कि तुम मेरी कोख से पैदा होना चाहते हो। माँ, तुम्हारी छोटी माँ सही कह रही है पुत्र,
अगर मनुष्य को कुछ मांगना है तो नारायण से मांगना चाहिए। इतना बड़ा पाठ तो शायद मैं भी नहीं पढ़ा पाती। प्रणाम बड़ी माँ। पुत्र उत्तम, मेरा आशीर्वाद है कि तुम पूरे विश्व के सम्राट बनो। देखा माँ, बड़ी माँ मुझे पूरे विश्व का सम्राट बनने का आशीर्वाद दे रही हैं, और आप हैं कि हर बार रूबाई को दुत्कारती रहती हैं। चुप रहो। कठोरता राजघराने का कितना दुखद आभूषण है। नारायण कहाँ मिलते हैं, बोलो ना माँ। मुझे ज्ञात नहीं पुत्र, लेकिन अगर पता होता तो तुम्हारा भाग्य बदलवाने की जरूर कोशिश करती। माँ यदि नारायण है तो वो कहीं ना कहीं तो मिलेंगे, ढूंढना पड़ेगा। और मैं इससे घबराता नहीं, पर्वत में, वन में, सागर में, आकाश में कहीं ना कहीं तो मिलेंगे। और यदि मिलेंगे तो मैं उनसे पूछूंगा कि हमारा भाग्य ऐसा क्यों है। तू रो मत माँ, जब मन में प्रश्न बिच्छुओं की तरह काटते हैं तो रोना आता है। मैं तुम्हारे हर प्रश्न का उत्तर नारायण से मांगूंगा। ध्रुव, सागर से सीपी मांगी जाती है क्या? कुबेर से तो कौड़ी मांगेगा, आकाश से बालू का कण मांगेगा। अरे पगले, आकाश तो सितारे भी दे सकता है। तेरा पुत्र कुछ कम नहीं मांगेगा, कम मांगकर दानी को छोटा नहीं करेगा। नारायण को पाने के लिए मुझे घर छोड़कर जाना ही होगा, मुझे घर छोड़कर जाना ही होगा। तुम्हारे चरणों की छांव से तो स्वर्ग भी छोटा है, किंतु मुझे मेरे प्रश्नों के उत्तर चाहिए। क्षमा चाहता हूं माँ कि मैं तुम्हारी ठंडी छांव छोड़कर धूप में जा रहा हूं। इतना निश्चित है कि जब तक मैं नारायण को ना पालूंगा तुम्हारे चरणों की छांव में नहीं लौटूंगा।